महापालिका कोविड घोटाळा आता 4,900 कोटीचा झाला आहे। मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकर यांच्या लाईफलाईन हॉस्पिटल कंपनीचा तपास सुरू केला आहे। आज आम्ही माझे वकील मित्र ॲडव्होकेट विवेकानंद गुप्ता ॲडव्होकेट आदित्य भट्ट यांच्या समवेत 450 पानाचे एडिशनल डॉक्युमेंट एव्हिडन्सेस दिले आहे आणि या तपासाची व्याप्ती वाढवावी याचा आग्रह केला आहे। कंपनी मंत्रालय असो, आयकर विभाग असो, ईडी या सगळ्यांनी व्याप्ती वाढवली आहे, पण मुंबई पोलीस इकॉनॉमिक ऑफेंडिंग अजूनपर्यंत ते लाईफलाईन मध्ये अडकून पडली आहेत। त्यांनी मुंबई महापालिकेचा 4,900 कोटीचा त्यात एक उदाहरण ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट, ज्याच्या संबंधित तत्कालीन पालकमंत्री असलम शेखनी पुरावे दिले होते, तरी त्याची चौकशी होत नाही आहे। त्याचबरोबर जे कोविड सेंटर बांधण्यात आले, ते कोविड सेंटर बांधण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट 400 कोटीचे आणि त्यानंतर त्याला दर महिने कोट्यावधी रुपये रेंट देण्यात आलं, जे बॉडी बॅग पासून क्वारंटाईन सेंटर, त्यात RT-PCR टेस्टिंग, महापालिकेचे अधिकारी आणि पॉलिटिकल नेत्यांनी स्वतःचा कंपन्या काढल्याने स्वतःच कॉन्ट्रॅक्ट घेतले। याच पद्धतीने ज्या रेमडेसिवीर असो 665 रुपयात महाराष्ट्र सरकारने घेतलं तेच औषध, त्याच दिवशी 1665 मध्ये 2 लाख वायल पोलिसांनी मान्य केलं आहे की हे सगळ्या आमचं एडिशनल स्टेटमेंट आणि पुरावे ते मुंबई पोलीस कमिशनर ऑफिस इकॉनॉमिक ऑफेन्समध्ये पाठवणार। मला आशा आहे की पुढच्या काही दिवसात याची व्याप्ती वाढणार, ती बांद्रापर्यंत लवकर पोहोचणार की काय हे आता बघावं लागणार। मुंबई महापालिका में कोविड घोटाला लगभग 4,900 करोड़ का हुआ है, इसके एविडेंसेस एडिशनल डॉक्यूमेंट आज हमने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दिए। मेरे साथ मेरे वकील मित्र विवेकानंद गुप्ता, एडवोकेट आदित्य भट्ट, यहाँ पर ही मेरी FIR दर्ज हुई थी। कोविड सेंटर जो संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर, वो तो घोटाला सिद्ध हो चुका है, लेकिन जो कोविड सेंटर बनाए गए इसमें भी 100 करोड़ का घोटाला है। पहले कोविड सेंटर बनाए और फिर उसका किराया भी दिया गया। इसी प्रकार से जो दवाइयां ली गई RT-PCR टेस्टिंग, महापालिका के अधिकारी ने खुद की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए, पॉलिटिकल लीडर्स की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए, ईडी ने इस जांच की व्याप्ति बढ़ाई है, इनकम टैक्स ने बढ़ाई है, कंपनी मंत्रालय ने बढ़ाई है, मुंबई पुलिस ने पूरे कोविड घोटाले की जांच करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। डॉक्यूमेंट में आपकी क्या किसी नेता का या किसी लीडर का नाम जिक्र किया जिस प्रकार छापा? आज हमने लगभग 450 पेजेस के एडिशनल डॉक्यूमेंट या आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दिए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि यह हमारी FIR के साथ में यह सब एविडेंसेस जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देख रही है उनको वो भेज देंगे। हमने इस संबंध में सभी एजेंसी से बात की है, मुझे विश्वास है कि जांच का दायरा बढ़ेगा और वो कब बांद्रा पहुंचेगा इसका इंतजार है। सर, आपने कांग्रेस के लीडर का नाम लिया है, जो ऑक्सीजन प्लांट घोटाला हुआ तभी उस समय पर असलम शेख वो कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन लिया, वह शिकायत मैंने की है, ऑब्जेक्शन लेके फिर असलम शेख ने सेटलमेंट किया क्या, इसकी भी जांच होगी। उद्धव ठाकरे पुन्हा बीजेपी सोबत येण्याची शक्यता आहे, असं झालं
ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरूची थांबेल का? आता हे तर उद्धव ठाकरेने तुम्हाला सांगितलं असेल तर मला माहीत नाही, म्हणून याचं उत्तर अधिक स्पष्ट उद्धव ठाकरे देऊ शकणार. राहिली गोष्ट, जे घोटाळे निघाले त्यापैकी बहुतेक घोटाळ्याचं इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण होऊन आता न्यायालयात आहे आणि न्यायालयात हिअरिंग पण सुरू आहेत, तर त्यावेळी मी काही कॉमेंट करणं हे न्यायालयाचा अवमान होणार. आता प्रकरण न्यायालयात आहे, न्याय नाही निर्णय घेणार.